दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप चैट जीपीटी से पीएनजी टू जेपीजी कन्वर्टर बना सकते हैं, यानी कि आप एक ऐसा टूल बना सकते हैं जो आपकी इमेज को पीएनजी से जेपीजी में कन्वर्ट कर देगा। ऐसा टूल आपको बनाना मैं यहाँ पे 10 मिनट के अंदर सिखाने वाला हूँ। आप ऐसा ही नहीं, दूसरे भी कई टाइप के टूल इस मेथड से बना सकते हैं। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा खास एंड इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को स्किप करने की गलती तो बिल्कुल भी मत करिएगा अगर आप ब्लॉगर, यूट्यूबर या ऑनलाइन अर्नर बनना चाहते हो। तो इस चैनल पे मैं आपको ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड कंटेंट बताता रहता हूँ, साथ ही आगे आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा यूजफुल कंटेंट आप सबके सामने आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड जानते हैं कि कैसे चैट जीपीटी की मदद से खुद का टूल बनाया जा सकता है और उसको ब्लॉगर के ऊपर फ्री में अपलोड किया जा सकता है जहां पे ट्रैफिक आएगा, एंड अगर अच्छा खासा ट्रैफिक आता है तो हम उसको गूगल एडसेंस से मोनेटाइज करवा के बहुत ही बढ़िया पैसा जनरेट कर सकते हैं और हजारों लोग ऐसा कर रहे हैं बेसिकली। बाकी लोगों को तो पता नहीं है यूट्यूब चैनल के बारे में, हर किसी को बताए कोई भी चैनल बना के छोटे मोटे वीडियोस बना के डाल रहा है, बट ब्लॉगिंग के बारे में लोग इतना नहीं जानते। तो जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं उन लोगों के लिए इस टॉपिक को हाईलाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई होप कि आप इस वीडियो को प्यार देंगे एंड पूरा एंड तक देखेंगे, साथ ही जो लोग ऑनलाइन अर्न करना चाहते हैं उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि उन लोगों को भी थोड़ा सा बेनिफिट हो पाए और उन्हें ये पता चल पाए कि बेसिकली हमारे सामने फ्री में इतना डेटा अवेलेबल है, इतने एप्स, इतने टूल्स अवेलेबल है जिनसे हम बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सो चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो की। सबसे पहले आपको एजुफ्रीबाई नाम की इस वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आपको मल्टीपल टूल्स के नेम मिल जाएंगे जिनको आप चैट जीपीटी की मदद से बना सकते हो। हम यहाँ पे बनाने वाले हैं जेपीजी टू पीएनजी कन्वर्टर इन एचटीएमएल विद जावास्क्रिप्ट। सो चलिए इस लाइन को कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे कमांड देते हैं चैट जीपीटी को और देखते हैं चैट जीपीटी हमारे लिए ये टूल बनाता है या नहीं। सो चैट जीपीटी ने यहाँ पे रेस्पॉन्स करना ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दिया है। आप देखिए चैट जीपीटी काम पे लग चुका है और चैट जीपीटी जो है बेसिकली यहाँ पे अपने डेटा के अंदर एक चीज को जो है सर्च कर रहा है। तो हमारे सामने चैट जीपीटी ने यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया है और कोडिंग एकदम डेवलप हो रही है हमारे सामने। आप देख ही पा रहे हो ये पूरी HTML है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहती है जिसके बारे में जो MCA किए हुए स्टूडेंट है उन लोगों को ज्यादा पता होगा, राइट? तो इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जब तक ये कोडिंग हो रही है तब तक मैं आपको आगे का प्रोसेस बता दूं, क्योंकि आगे का प्रोसेस भी और ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाला है। सो कोडिंग हो रही है, होने देते हैं कितना होती है। अब आपको जो है एक साइड टैब में गूगल का ब्लॉगर ओपन कर लेना है अगर आपके पास मोबाइल फोन है, और आप ज्यादा टैब वैसे तो मोबाइल फोन में चला सकते हो, बट अगर नहीं चला पा रहे हो तो आपको एक बार इस कोडिंग को करने देना है। एंड उसके बाद जो आपका कोई भी नोटपैड या टेक्स्ट बॉक्स जहां भी रहता है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे जाके इस पर्टिकुलर कोडिंग को पेस्ट कर देना है। कोडिंग को कैसे पेस्ट करोगे, यहाँ पे कॉपी कोड पे क्लिक करोगे पूरा कॉपी हो जाएगा एंड आप उसको पेस्ट कर पाओगे, राइट? सो उसके बाद जो है आपको गूगल के ऊपर सर्च करना है blogger.com। blogger.com यूट्यूब की तरह ही गूगल का एक प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब के ऊपर वीडियोज बना के डालते हैं, ब्लॉगर के ऊपर लोग आर्टिकल बना के डालते हैं, टूल भी बना के डाल सकते हैं। आपने देखा होगा कई हैशटैग जनरेटर, वीडियो डाउनलोडर एंड मल्टीपल टूल्स अवेलेबल है मार्केट में। तो आप भी ऐसा ही अपना टूल यहाँ पे बना लोगे, देख लेना। यहाँ पे वीडियो के एंडिंग तक आपको जो है सीरियसली ये चीज समझ में आने वाली है, राइट? तो आपको ब्लॉगर को विजिट करने के बाद आपको इस पहले लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने जीमेल से साइन इन करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर देखिए कोडिंग पूरी हो चुकी है। सो जैसे ही आपके सामने जीमेल से साइन इन करने का ऑप्शन आता है, आप साइन इन पे क्लिक करोगे, जीमेल को सिलेक्ट करोगे,
आप लॉगिन हो जाओगे एंड आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस क्रिएट हो जाएगा। सो यहाँ पे हम जो टूल बना रहे वो बना रहे जेपीजी टू पीएनजी टू जेपीजी, बेसिकली जेपीजी टू पीएनजी कन्वर्टर। सो यहां पे आप देखिए जेपीजी टू पीएनजी कन्वर्टर। सो यहां पे ये चीज जो है हमने टाइटल के तौर पे यहां पे लगा दी है, ये हमारा इस पर्टिकुलर ब्लॉग का टाइटल रहने वाला है। यहां पे हम एक यूआरएल भी डाल देते हैं, आप देखिए जेपीजी टू पीएनजी कन्वर्टर। ये जो स्पेसेज बीच बीच में हमने दिए यहाँ पे, ये हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये स्पेसेज हटाने के बाद आप देखिए यहाँ पे हमें ये यूआरएल अवेलेबल नहीं मिल रहा है, तो मैंने पीछे 90 लगा दिया है, जेपीजी टू पीएनजी कन्वर्टर 90.blogspot.com। जैसे हम सेव करेंगे हमारा जो ब्लॉग है वो बनके रेडी हो चुका है। अब हमें सिर्फ यहाँ पे उस कोडिंग को जो हमने चैट जीपीटी की मदद से क्रिएट किया है उसको यहाँ पे ब्लॉगर के ऊपर पेस्ट करना है। हमारा ब्लॉग जो है बनके रेडी हो चुका है, हालांकि कुछ चैटिंग यहाँ पे करनी होती है बट वो आप समझ जाएंगे, उनमें कोई बहुत ज्यादा हार्ड थिंग नहीं है। एक आपको अपने आर्टिकल को जो है, अपने इस ब्लॉग को जो है गूगल सर्च कंसोल में जो है एड करना होगा। सो यहाँ पे कोई भी हम अपन थीम ले लेते हैं, लाइक ये वाली थीम मुझे अट्रैक्टिव लग रही है, चलिए इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, गॉट इट पे क्लिक करेंगे तो आपकी न्यू थीम जो है यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। अगेन आपको यहाँ पे पोस्ट पे आना है और न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है, जो कि आपके सामने क्लियर कट ऑप्शन अवेलेबल है। आप न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अगेन जो टाइटल आपने अपना लगाया था वो का वो टाइटल आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा वन टूल वेबसाइट ही होने वाला है। लेबल भी मैंने ये लगा दिया एंड यहाँ से आप कस्टम परमालिंक पे क्लिक करके अपनी परमालिंक भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। साथ ही जो परमालिंक के अंदर स्पेसेज है उन स्पेस को हटा के वहां पे ये वाला डैश लगा दीजिएगा जो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब एक चीज ध्यान रखिए, टाइटल के नीचे ये जो निशान है इसको क्लिक करके HTML व्यू सिलेक्ट कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, जब भी हमें डायरेक्ट कोडिंग पेस्ट करनी होती है तब हमें HTML व्यू के अंदर ही कोडिंग पेस्ट करनी होती है, क्योंकि आप देखिए ये जो कोडिंग है ये HTML में है। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चलिए इस कोड को पूरा कॉपी कर लिया, यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में कॉपी कोड का ऑप्शन है। सो यहाँ पे कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे एंड HTML व्यू के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। सो हमने कोडिंग यहाँ पे पेस्ट कर दी है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये टूल हमारा किस टाइप का शो हो रहा है। सो इस टूल का प्रीव्यू आप यहाँ पे देखिए, ये हमारे सामने इस टूल का प्रीव्यू है। कुछ इस टाइप से इंटरफेस आपकी वेबसाइट का, यानी कि इस वेबसाइट का दिखेगा जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। ये डेस्कटॉप के अंदर दिखेगा, मोबाइल पे ये कैसा लगेगा आप देखिए, स्मार्टफोन पे ये कुछ इस टाइप का शो होगा। एंड अगर अपन टैबलेट की बात करें, टैबलेट पे ये कुछ इस टाइप का शो होगा एंड डेस्कटॉप पे ये कुछ इस टाइप का। आप चाहे तो इस थीम को बदल भी सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए मैं इस आर्टिकल को यहाँ पे पब्लिश कर देता हूं एंड यहाँ पे हम जो है कोई अदर थीम जो है ट्राई करके देखते हैं। सो यहाँ पे अगर अपन कोई दूसरी थीम लगाए, लाइक ये वाली थीम अगर अपन सेलेक्ट करें, आप अपने हिसाब से कोई भी थीम जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक अगर अपन देखें तो मल्टीपल थीम्स आपको यहाँ पे मिलेगी, जिनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेने का, उसको अप्लाई कर लेने का। जिस टाइप से ये हो चुका है, यहाँ पे आप देखिए ये पोस्ट है, इसका अपन व्यू करके देखते हैं। कुछ इस टाइप से हमारी वेबसाइट अब शो हो रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्लिक करना है चूज फाइल पे। जैसे ही आप चूज फाइल पे क्लिक करोगे आपके सामने आपका डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। ये फाइल हमने यहाँ पे जेपीजी सेलेक्ट कर ली है, अब इसको पीएनजी में कन्वर्ट करने वाले हैं। कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने पीएनजी फाइल आ चुकी है। इसको हम यहाँ से सेव कर सकते हैं डायरेक्टली, राइट। सो सारा डेटा जो है आई थिंक आप सबके सामने क्लियर कट अवेलेबल है। आई होप कि ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है आप सबको इजीली समझ में आ चुकी है। सिनेरियो क्या है आपको पता लग चुका है,
और आप यहां से इसको इजीली जो है सेव कर सकते हो और वेबसाइट हमारी बनके रेडी यहां पे हो चुकी है आपके सामने ही ये डेटा राइट। आप यहां पे फुल स्क्रीन पे भी इसका व्यू देख सकते हो। ओवरऑल आपकी वेबसाइट बनके रेडी है, आपने चैट जीपीटी एंड ब्लॉगर की मदद से एक वेबसाइट को बिल्ड कर दिया है जहां पे आपने एक टूल को अपलोड किया है। लोग अब इस टूल को यूज कर सकते हैं और जितने भी लोग आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे आपको सारा डेटा यहां पे शो होगा स्टेट्स के अंदर। एंड आप देखिए अभी जो हमने इसको एक विजिट किया तो ये हमें एक टुडे का व्यू यहाँ पे शो हो रहा है, एक ही पोस्ट हमने अब तक किया है। इस टाइप से जब अच्छे खासे पोस्ट आपके हो जाए, जब आपका जो है आपको लग जाए कि अच्छा ट्रैफिक अब आ रहा है, तब आप यहां से एडसेंस अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। और जैसे ही एडसेंस आपका लिंक होता है आप जो है एडवर्टाइजिंग के थ्रू यहां से पैसा जनरेट कर पाएंगे। सो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना एंड अपने ऑनलाइन अर्निंग का पूरा ध्यान रखिए, हर चीज पे फोकस करिए, हर चीज को सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन अर्न करना चाहते हो तो आपको सीखना तो पड़ेगा। सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।